हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज राहुल मित्तल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके और हर दिन कुछ न कुछ आप नया सीख सकें। मेरे साथ मेरी स्टूडेंट है। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। कौन सा डे आज आपको ड्राइविंग करते हुए? एक हफ्ता हो गया है। और कौन सी कार चला रही हैं आप? हुंडई की सेंट्रो का। कितनी एज है आपकी? 48। कोई दिक्कत नहीं, मैंने 70 प्लस की लेडीजों को भी ड्राइविंग सिखाई है। जी। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। जी। बस आपका दिल जवान होना चाहिए और एक्साइटेड होना चाहिए, ठीक है? जुनून होना चाहिए आपके अंदर। आपके हस्बैंड भी तो सीखे है ना? जी, जी, जी। वो चला रहे हैं? सर, यस। बिंदास। बिंदास। चलिए, तो दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि सिंगल रोड पे कार को कैसे कंट्रोल करना चाहिए। अगर सामने से कोई कार आ रही तो हमें कितना पहले उसको पासिंग डिपर देना है, कितना पहले उसको हॉर्न देके अलर्ट करना है। ये 10 फीट का रोड है, जिस रोड पे मैं अभी कार लर्न करा रहा हूँ इनको, ये 8 से 10 फीट का रोड है और दोनों साइड दो दो ढाई ढाई फीट के खड्डे हैं। अगर रोड से नीचे आपने कार उतारी तो दो ढाई फीट के खड्डे हैं, क्योंकि कच्चा रास्ता है साइडों में और बहुत बिजी रोड है। तो ऐसे में हमें कितना पहले सामने वाले को पासिंग डिपर देना, कितना पहले हॉर्न देना है। कार को जब हम लेफ्ट डाउन कर रहे हैं अपनी कार को, तो राइट वाला पैर हमारा किस पॉइंट पे होना चाहिए और कौन सा गियर रखना है और हमारी गाड़ी की स्पीड कितनी होनी चाहिए, कैसे मेंटेन करना है, और हमें अपने लेफ्ट वाले मिरर को, लेफ्ट वाला जो RBM है उस पर कब कब नजर डालनी है, कैसे हमें ये पता चलेगा कि हमारे लेफ्ट में कितना स्पेस है, राइट में कितना स्पेस है। कई बार आइडिया नहीं लग पाता, हम कार को अपनी डाउन करना चाहते हैं 1 से 2 फीट और कार हमारी आ जाती है 3 से 4 फीट, पूरी प्रॉपर गाड़ी हमारी लेफ्ट में आ जाती है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा अभी कि कैसे आपको इन सब चीजों पे ध्यान देना है, इसके लिए कैसे आपको अलर्ट होना है। तो अभी जैसे देख रहे हैं सामने से मेरे आ रही है होंडा अमेज, ये ठीक है, ये होंडा अमेज अभी निकली। आपने मैडम देखो कितनी ज्यादा गाड़ी अपनी नीचे उतार दी, देखा आपने पूरी पूरी गाड़ी नीचे उतार दी। क्या आपको इतनी गाड़ी उतारने की जरूरत थी? नहीं सर, नहीं, अगर आप घबरा जाएंगे तो ऐसे तो बगल में कोई खाई होगी तो उसी में लेके चले जाएंगे। जब ऐसी कंडीशन में आपको कुछ भी समझ में ना आए, जहाँ पे आप पैनिक हो रहे, तो वहाँ पे पूरा क्लच देन ब्रेक, पूरा क्लच दबा के ब्रेक दबाओगे, गाड़ी वहीं के वहीं आपकी रुक जाएगी, गाड़ी कंट्रोल हो जाएगी, उसके बाद वो बंदा निकल जाए, वापस आप उसको फर्स्ट गियर में करके वापस निकाल लो। अगर जहाँ पे हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है, हम पैनिक हो रहे, पूरा क्लच दबा के ब्रेक ले लो और बहुत ज्यादा नीचे डाउन नहीं करना। अभी देखो आपने फिर पूरी गाड़ी नीचे उतार दी, भाई एक टायर आपको नीचे उतारना है, एक टायर वो भी तो उतारेगा ना अपनी गाड़ी का। अब सपोज करो, मान लो इस पे अभी ट्रक आ रहा है, इस रोड की जो चौड़ाई है ना वो 8 से 10 फीट की है, अभी सामने से ट्रक आ रहा है 10 फीट चौड़ा तो ट्रक ही है। अब ये बताइए आप कहाँ ले जाएंगे अपनी गाड़ी को? सर नीचे ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे जब 10 फीट का रोड है, तो कहाँ ले जाएंगे? सर गाड़ी रोक देंगे। गाड़ी एक टायर नीचे उतार के गाड़ी को रोक देना है। जब आप एक टायर को नीचे उतार के रोक दोगे तो पूरी जिम्मेदारी ट्रक वाले की हो जाती कि वो कैसे निकालेगा, वो उस पर डिपेंड करता है। अभी देखो आपके बगल से टैगोर निकली, आपने गाड़ी 1% भी नीचे उतारी नहीं उतारी, फिर भी उसने अपनी गाड़ी निकाल ली, क्योंकि उसने अपनी गाड़ी का एक टायर नीचे उतारा तो उसकी 3 फीट जगह जो थी वो रोड पे थी, 3 फीट गाड़ी, और बाकी जो उसकी गाड़ी थी 4-5 फीट वो रोड से नीचे चली गई। राइट रखोल का ये छोटी छोटी जो बारीकियां हैं, स्टीयरिंग के अकॉर्डिंग आपको टायर को मेंटेन करना है। अब वो डिसाइड किसको करना है कि टायर कहाँ जा रहा है, वो आप ही तो डिसाइड करोगे, क्योंकि स्टीयरिंग तो आप ऑपरेट कर रहे हो ना, तो वो आपको डिसाइड करना है। इसको समझना बहुत जरूरी है। अब जैसे यहाँ पे देखो, राइट साइड में 8 से 10 फीट की खाई है और लेफ्ट साइड में भी 8 से 10 फीट की खाई है। अब यहाँ ऐसे, और लेफ्ट में आप देख रहे हो थोड़ा सा रास्ता बहुत खराब है, हल्का सा अगर आप 50 मीटर पे देखोगे तो कितना ज्यादा रास्ता खराब है। अब ऐसे में अगर सामने से कोई गाड़ी आ गई तो बिफोर आपको उसको पासिंग डिपर देना है, लॉन्ग हॉर्न पुश करना है, ताकि वो बंदा वहीं पे रुक जाए। नहीं ऐसे में अगर जरा सा भी गाड़ी आपने लेफ्ट दबाई तो गाड़ी आपकी पलट जाएगी। ठीक है, अभी स्पीड बढ़ाइए थोड़ा सा, आपके पीछे वैन है, 2-3 गाड़ियां हैं, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ और अपने लेफ्ट वाले मिरर को डॉली जी, जब आप बार बार लेफ्ट वाला राइट वाला मिरर चेक करोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि लेफ्ट दबाओ गाड़ी, तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि आपके लेफ्ट में कितनी जगह छूटी। अभी जो आपका लेफ्ट वाला टायर है वो कहाँ चल रहा है पता है आपको? जो ये व्हाइट लाइन आपको दिख रही है, जो ये व्हाइट लाइन दिख रही है, इस व्हाइट लाइन के ऊपर आपका लेफ्ट वाला टायर चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपने राइट साइड में देखो कितनी आसानी से सारी गाड़ियां ओवरटेक करती जा रही है आपको, आपकी गाड़ी रोड से नीचे नहीं उतरी है, आपको लग रहा है ऐसा, आगे फ्रंट से फ्लैग रॉड से लग रहा उतर गई, बट अगर आप यहां से देखोगे तो
तो यहाँ से दोस्तों आपको क्लियर पता चल रहा है कि इनकी गाड़ी नीचे नहीं उतरी है। ये देख रहे हैं लगभग एक फीट इनकी गाड़ी अभी रोड से अंदर की तरफ है। तो ये चीज हम समझ सकते हैं अगर इस चीज को हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। यहाँ पे दिख रहा है डॉली जी आपको रोड दिख रहा है? रोड दिख रहा है, गाड़ी के पीछे का हिस्सा दिख रहा है? नहीं, गाड़ी के पीछे का नहीं। क्या दिख रहा है उसमें आपको? लाइनिंग सी दिख रही है। तो लाइन ही तो देखनी है, जो व्हाइट लाइन है वही तो देखनी है। तो उसी को तो मैं बोल रहा हूँ गाड़ी के पीछे का रोड दिख रहा है। अब नेम प्लेट थोड़ी दिखेगी इसमें आपको, ना नंबर प्लेट दिखेगी, ना साइलेंसर दिखेगा आपको। फिर यही चीज तो हमको देखनी है, हमें तो सिर्फ गाड़ी का जजमेंट लेना है ना लेफ्ट वाले टायर का, कि हमारी गाड़ी का जो लेफ्ट वाला टायर है वो किस पॉइंट पे है। तो अभी जो फ्रंट से आप देखोगे तो ऐसा लग रहा है दोस्तों कि हमारी कार का टायर नीचे उतर गया, पर एक्चुअल में ऐसा है नहीं, क्योंकि जो इसका लेफ्ट का जजमेंट होता है ना आप यहाँ से सेंटर पॉइंट से ले सकते हैं। ये जो सेंटर पॉइंट है, ये जो अपना सीयूजी है, यहाँ से अगर आप देखोगे फ्लैग रॉड को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये ड्राइवर सीट से ज्यादा जजमेंट समझ में आता है कि मेरी गाड़ी का जो बोनेट है वो कहाँ तक है। और ये जो पिलर है, ये लेफ्ट वाला जो पिलर है, इस पिलर से भी आप जजमेंट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर गाड़ी में आपकी फ्लैग रॉड लगा हो। तो आप फ्लैग रॉड को और बोनेट को जब बार बार देखते हैं तो आपको एक्चुअल में गाड़ी की लेंथ का अंदाजा हो जाता है कि मेरी गाड़ी जो है वो कहाँ पे है। और जो लेफ्ट वाला मिरर है, 95% आपको इस मिरर से आपको लेफ्ट साइड का जजमेंट मिलता है। ठीक है, तो इस मिरर को बार बार आपको रिकॉल करना। आप जैसे सामने से देखो फॉर्च्यूनर आ रही है, अब आपको क्या करना है, एक बार पासिंग डिपर देना, उसको पासिंग डिपर दो ऊपर की तरफ, वेरी गुड। अब राइट वाला पैर ब्रेक पे ले आओ, हाँ ठीक है, और हल्का सा गाड़ी लेफ्ट दबाओ। देखो वो डिपर दे रहा है, हल्का सा गाड़ी लेफ्ट दबाओ, ज्यादा नहीं, बस 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 बस, राइट रखो हल्का, निकल गई गाड़ी। एक्चुअल में आप डर जाती हैं डॉली जी, और कोई बात नहीं, जब आपके सामने कोई गाड़ी आती ना आप एकदम पैनिक हो जाती हो और आप सोचती हो कि और लेफ्ट दबा लूं, और ऐसे में तो आपकी गाड़ी गड्ढे में चली जाएगी ना। फिर बताइए, अभी तो मैं बैठा हूं तो मैं संभाल ले रहा हूं, कल को जब आप अकेले चलाओगे तब क्या होगा भाई? जब अकेले चलाओगी तो क्या होगा? गाड़ी रोक देंगे। तो फिर अभी क्यों नहीं रोक रही हो, अभी क्यों नहीं रोक रहे हो? जब आप कह रहे हो मैं गाड़ी रोक दूंगी, तो जब अभी ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो वहां पे आपको क्लच लेके इसको पासिंग डिपर दो। जब मैं बोलूं तभी नहीं, हर बार आपको इसकी एक्टिविटी करनी है, क्योंकि आप सीख रहे हो तो आपको डिपर देना है। सिंगल रोड पे सामने वाले को हॉर्न कम पासिंग डिपर ज्यादा देना होता है। फिर देखो गाड़ी कहां गई आपकी, आप जब लेफ्ट गाड़ी उतारती हो ना तो आप लेफ्ट वाले मिरर को रिकॉल ही नहीं करते, इसलिए आपको पता ही नहीं चलता कि आपका लेफ्ट वाला पहिया कहां गया, समझ रहे? तो आपको ये पता ही नहीं चल पाता कि आपका लेफ्ट वाला टायर किस पॉइंट पे चल रहा है, किस पोर्शन पे चल रहा है। तो उसके लिए तो आपको लेफ्ट वाले मिरर को, लेफ्ट वाले फ्लैग रॉड को, लेफ्ट वाले पिलर को, इन तीनों पॉइंट को आपको देखना पड़ेगा ना भाई। कार को लेफ्ट, कार के लेफ्ट के जजमेंट के लिए कार में ऐसे 3-4 पॉइंट ऐसे हैं जिससे आपको कार के लेफ्ट साइड का अंदाजा बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा। पहला नंबर है फ्लैग रॉड, ठीक है, दूसरा नंबर है ये पिलर, तीसरा नंबर है लेफ्ट वाला साइड मिरर। ये 3 पॉइंट है जिससे आपको गाड़ी का बहुत अच्छे से अंदाजा हो जाएगा आपकी कार के लेफ्ट साइड का, क्योंकि राइट साइड में तो आप बैठी है ना, तो राइट साइड में अगर आप नहीं भी देखोगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि राइट से जो भी आपको ओवरटेक करा वो डिस्टेंस खुद मेंटेन करके जाएगा। सामने से देखो बोलेरो आ रही तो वो आपसे डिस्टेंस मेंटेन करके जाएगा, वो आपसे डर रहा है, जैसे आप उससे डर रहे हो वो भी डर रहा है आपसे, देख रहे हो? हल्का राइट रखो, राइट, फिर देखो लेफ्ट ज्यादा दबा दिया आपने। आप एक्चुअल में जब गाड़ी आती तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है और आप एकदम सोचती हो कि मेरी गाड़ी लड़ गई। तो जब ऐसे करोगे, मैम मान लो अगर लेफ्ट में गड्ढे या कीचड़ है या मान लो रोड टूटा है, तो आप क्या करोगी? क्या करोगी? अभी थोड़ी देर पहले, अरे गाड़ी तो तब रोकोगे जब आप रोक रोक के प्रैक्टिस करोगे ना, अचानक कैसे सीख जाओगे? जब आप गाड़ी रोकोगे तभी तो रोकने की प्रैक्टिस होगी, या ख्याली पुलाव पकाने से गाड़ी रुक जाएगी अपने आप? रुक जाएगी। फिर भाई जब यहाँ पे ऐसी सिचुएशन आएगी तो आप उसको प्रैक्टिस में लाओगे ना, प्रैक्टिकल करोगे तभी तो गाड़ी, या तो आपको लग रहा है कि गाड़ी ज्यादा मेरी नीचे जा रही है तो भाई रोक लो, अगर आपको लग रहा है कि निकल जाएगी, आप लेफ्ट वाले मिरर को रिकॉल नहीं करती। अब सामने गाड़ी आ रही है, अब अपने लेफ्ट वाले मिरर को देखो, आपने एक बार भी उसको पासिंग डिपर दिया? नहीं दिया। बताइए 3 बार उसने आपको रिटर्न में पासिंग डिपर दिया, बट आपने एक बार भी उसको दिया? क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको टोका नहीं, तो अगर मैं आपको टोक देता हूँ तो आप कर ले जाती हैं, मैं नहीं बोलता हूँ तो आप भूल जाती हैं। तो फिर ये बताइए, अगर सामने कोई बंदा आ गया और आप भूल गई ब्रेक लगाना तो क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ नहीं, महागड़बड़ जिसे कहते हैं, एक होती गड़बड़, एक होती महागड़बड़, तो वो महागड़बड़ हो जाएगी। जाने दीजिए, स्पीड बढ़ाइए थोड़ा सा अभी गाड़ी की, हल्का। ये लेफ्ट वाला जो साइड मिरर है आपका और लेफ्ट वाला फ्लैग रॉड, और ये जो आप देख रहे हैं इसको समझना बहुत जरूरी कि आपका जो टायर है वो किस पॉइंट पे चल रहा है। व्हाइट लाइन जो है ना,
ये व्हाइट लाइन से भी बाहर आ गया टायर आपका, यहाँ पे देखोगे ना हल्का लेफ्ट आओ, बस हल्का, हाँ बस ज्यादा नहीं, हाँ हल्का, हाँ। जब सामने वाला लास्ट मोमेंट पे आके वो अपनी गाड़ी दबाता है, वो पहले नीचे उतरने की कोशिश नहीं करता, वो सोचता है कि मैं ही सेंस हूँ। जब उसको लगता है कि अगला बंदा नहीं उतार रहा है ना, फिर वो खुद उतारता है गाड़ी, क्योंकि वो भिड़ाएगा थोड़ी भाई। आप 50% उसको नोटिस करें, वो भी आपको नोटिस कर रहा है। अभी आपके पीछे से आई टेन आ रही है, गाड़ी आ रही है, अपना टायर हल्का सा लेफ्ट दबाओ आप, और अपने लेफ्ट वाले मिरर को देखा करो। जब आप गाड़ी लेफ्ट दबाती हो तो लेफ्ट वाला मिरर नहीं देखती हुई, इसी वजह से आपको लेफ्ट का अंदाजा नहीं मिल पा रहा है भाई। फ्लैग रॉड से इतना, अब देखो ये देखो कहाँ गाड़ी गई। जब आप, अच्छा ये चीज बताओ, आपको बोनट से ज्यादा लेफ्ट का अंदाजा मिलेगा या लेफ्ट वाले मिरर से? तो आप मिरर से मिलेगा, लेकिन अभी आप ध्यान कहाँ दे रही हो ज्यादा? फिर आप समझ सकती हो ना, आप जहां आपको ध्यान देना वहां नहीं दे रही हो, जहां नहीं देना वहां दे रही हो। तो बस इस वजह से आपको भी लेफ्ट का अंदाजा नहीं हो पा रहा है, और लेफ्ट के अंदाजे के लिए आपको इस मिरर को देखना कंपलसरी। अगर आप इस मिरर को नहीं देखोगे तो शायद लेफ्ट आओ हल्का। अब इसको आपने पासिंग डिपर दिया था, राइट को उसने भी रिटर्न में आपको दिया, तो ये एक दूसरे ड्राइवर को एक उसका मतलब इंडिकेशन होता है कि भैया एक दूसरे को नोटिस कर रहे हो, ध्यान दे रहे हैं। अभी हल्की सी स्पीड बढ़ा लो, जाने दो धीरे धीरे, हाँ चलो स्पीड और बढ़ाओ थोड़ा सा, हाँ। समझना बहुत जरूरी है, चीजों को समझ के करना है, ये नहीं कि जब मन करा जहां मर्जी दौड़ा दिए जहां मर्जी। इसमें समझना ही तो है, अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी कार चला लेंगे, नहीं समझ पाए तो थोड़ी दिक्कत आएगी, बाकी सीख हर कोई जाता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते, जय हिंद वंदे मातरम।